हर कोई हमें करियर एडवाइस देता है दोस्तों, और अक्सर हमारे रिलेटिव्स हमें गलत करियर एडवाइस देते हैं। उनकी करियर एडवाइस उनके एरा के अकॉर्डिंग होती है, पर अगर आपको आज के एरा में पैसे कमाने हैं तो आज के एरा के अकॉर्डिंग मनी अर्निंग सीक्रेट्स सीखिए एंटरप्रेन्योर से। आज के वीडियो में तीन एंटरप्रेन्योर्स आपको करियर ग्रोथ एडवाइस देंगे मनी पर्सपेक्टिव से। पहला आपका भाई, दूसरा ये इंसान, और तीसरा भारत का एक लीडिंग एडुकेशन एंटरप्रेन्योर प्रथम मित्तल। कैसे हो अश्नीक ग्रोवर सर? बस बढ़िया है, तू बता। आपने बहुत बढ़िया पॉडकास्ट दिया हमें। ये एक माइक्रो पॉडकास्ट है आपके साथ। आपको अनिल कपूर नायक की पोजीशन में डालना है। अगर आप एडुकेशन मिनिस्टर होते एंड यू हैड पावर इन योर हैंड्स टू फुल्ली चेंज, तो आप क्या करते? यार आई विल स्टॉप दिस कॉन्सेप्ट कि इंडियन बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए यूएसए के, एंड आई वुड जस्ट टेल दीज यूनिवर्सिटीज टू पुट अप शॉप हियर। सो मेरे को ये लगता है कि जॉब्स यहीं से निकलनी चाहिए। जैसे कि अश्नीर सर ने कहा, ब्रेन ड्रेन भारत का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्मार्ट लोग देश को छोड़ के जा रहे हैं, उनका पैसा भी देश को छोड़ के जा रहा है और भारत को हानि पहुंच रही है। देखो दोस्तों, 10 साल पहले भी इट मेड सेंस टू लीव इंडिया इन सम केसेस, पर आज के ज़माने में भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार भारत छोड़ के जाऊँगा, वहाँ ज़बरदस्त एडुकेशन मिलेगी। भाई या बहन, क्या आपको ये पता है कि पूरी प्रोफेशनल दुनिया बदल रही है? फिर फॉरेन कंट्रीज का इतना बड़ा फैसिनेशन क्यों है? उस फैसिनेशन के बारे में ज्यादा जानने के लिए हमारे कॉलोनियल रूल को स्टडी कीजिए। हर किसी को यह पता है कि जब ब्रिटिशर्स पहले इंडिया आए थे, उन्होंने खुद के बिजनेसेस से अपनी शुरुआत की थी और ग्रेजुअली हमारे रूलर्स बन गए, हमारे गवर्नमेंट को कंट्रोल करने लगे, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने लगे। पर इस चेंज को ज्यादा फास्ट बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने यह सोचा कि कुछ इंडियंस को ले लेते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से एडुकेट करते हैं और इन एडुकेटेड इंडियंस को बाकी इंडियंस के रूलिंग क्लास बना देते हैं, ताकि ब्रिटिश रूलर्स और इंडियन मासेस के बीच एक लिंक बन जाए एडुकेटेड इंडियन क्लासेस की वजह से। तो ये करने के लिए पहले ब्रिटिशर्स ने हमारा ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सेकंड, उन्होंने लॉर्ड मैकॉलेज एडुकेशन पॉलिसी 1835 में इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से जो अमीर भारतीय थे सिर्फ उन्हें एडुकेशन मिले और एक सेपरेशन क्रिएट हो जाए, यहाँ भी डिवाइड एंड रूल। और फाइनली उस एडुकेशन सिस्टम में ब्रिटिशर्स बदलाव लाते गए, जब तक हमारे दिमाग में एक स्लेव मेंटालिटी घुस गई थी। हमारे खुद के हिस्ट्री बुक्स में हमें गलत भारतीय हिस्ट्री सिखाई गई, और दुख की बात यह है कि आज भी हमारे स्कूल्स में वही गलत हिस्ट्री हमें सिखाई जाती है, जिसकी वजह से हम पर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बन चुका है। आज भी हम भारत को एक बुरे नज़रिए से देखते हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि बाकी के देश ज़्यादा एडवांस्ड है हमसे। और हाँ जी, बाकी के देश कुछ चीज़ों में डेफिनेटली ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, कैपिटलिज्म की वजह से, मटेरियलिज्म की वजह से, और इसकी वजह से लोगों को लगता है कि वहाँ पढ़ाई करके खुद आप लाइफ में ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। दोस्तों 10 साल पहले शायद ये सच था, पर आज के ज़माने में, रिमोट वर्क के ज़माने में, AI के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में पूरी प्रोफेशनल दुनिया एकदम बदल चुकी है। अगर आपको आज के जमाने में पैसे कमाने हैं तो ये 5 सच जानिए। पहला सच, हमारे पॉडकास्ट पर आने वाले हर एंटरप्रेन्योर से मैंने सीखा है कि जो आज के स्किल्स हैं ना, मोस्टली सब स्किल्स, सब सब्जेक्ट्स इररिलेवेंट होने वाले हैं AI की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स खुद की लाइफ जीते, वो जीना ही पूरी तरह से बदलने वाला है। तो आप ही सोचो कि जो आज के स्किल्स हैं वो कल क्या रेलिवेंट होंगे। रॉनी स्क्रूवाला ने खुद मुझे हमारे पॉडकास्ट पर कहा कि दी ओनली स्किल्स दैट विल डेफिनेटली बी रेलिवेंट आर EQ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों के जज्बात जानना और आपके बातचीत करने का तरीका, इन दोनों चीज़ों का महत्व होगा। ये है पहली फाइनेंशियल सीक्रेट, आज से ही इन दोनों स्किल्स पर फोकस कीजिए। दूसरी फाइनेंशियल सीक्रेट, अगर आप दुनिया भर के GDP ग्रोथ रेट्स को स्टडी करें तो 2050 तक कहा जाता है कि चाइना सबसे अमीर देश बन जाएगा, पर उन GDP ग्रोथ रेट स्टडीज़ में इस चीज़ पर फोकस नहीं होता कि चाइना की एक एजिंग पॉपुलेशन भी है। इट्स वेरी लाइकली कि 2050 तक भारत इस दुनिया का सबसे अमीर देश बन सकता है, अगर सबसे अमीर नहीं तो एटलीस्ट सेकंड पोजीशन पे आ सकता है। और ये जियोपॉलिटिकल चीज़ें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप ये समझें कि आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़, आपके ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। जब भी ऐसे ट्रेंड्स किसी देश में आ जाते हैं, का ये मतलब होता है कि देर इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू लोकल बिजनेसेस। अगर आज से ही आपने स्टार्टअप खोली या स्टार्टअप स्पेस में काम चालू किया, तो आपके फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं।
तीसरा पॉइंट, किसी भी एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर से पूछे कि सबसे बूमिंग सेक्टर कौन सा है भारत में, वो कहेंगे एडुकेशन. सिर्फ एडटेक नहीं, पर एडुकेशन एज अ होल, फिजिकल एडुकेशन इंस्टीट्यूट. मेरे बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स अपने सेकेंड या थर्ड बिजनेस के लिए एडुकेशन सेक्टर को भी टारगेट कर रहे हैं. सो दिस इज अ वेरी बिग बूमिंग सेक्टर. पर अगर हम एडुकेशन की बातें कर रहे हैं तो चौथे पॉइंट को ध्यान में रखिए. हमारे इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स थे, जैसे कि IITs, IIM और ऐसे टॉप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो आज भी भारत में सबसे टॉप क्वालिटी एडुकेशन दे रहे हैं, जिनमें एंटर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव होता है. पर ये पूरा सिनारियो 10-20 सालों में प्राइवेट एडुकेशन की वजह से पूरी तरह से बदलने वाला है. दोस्तों ये भी याद रखिए कि ये आज के ज़माने की एक ट्रेजेक्ट्री है. इसका ये मतलब नहीं कि IIT IIM खराब है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट खराब है, पर आपको ये भी जानना चाहिए कि बहुत कम लोगों को इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिलती है. बाकी सारे भारतीय यूथ का क्या, इस ग्रोइंग GDP का क्या, बाकी सारे लोग कहाँ पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्या ये लोग पैसे कमाएंगे? बचपन में मुझे भी कहा जाता था कि अगर IIT में एडमिशन नहीं मिली तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, पर ये सच नहीं है, स्पेशली आज के ज़माने में. आज के ज़माने में इट्स ऑल अबाउट न्यू एज स्किल सेट्स, और यही है हमारा पांचवा पॉइंट. ये न्यू एज स्किल सेट्स होते क्या हैं, इसका जवाब आपको सीखना चाहिए एक एडुकेशन एंटरप्रेन्योर से. यह प्रथम मित्तल का पर्सपेक्टिव. इस इंसान ने हमें दो धमाकेदार पॉडकास्ट दिए फ्यूचर ऑफ एडुकेशन के बारे में, पर एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से इनकी राय क्या है आप खुद सुनिए. तो प्रथम भाई, आपने स्कूलिंग और कॉलेज सिस्टम्स के बारे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कहा अभी, फिर से बताइए. श्योर. सो बहुत इंटरेस्टिंग यार, इंडिया में जो भी अफोर्ड कर सकता है थोड़ा सा भी, जिसकी इनकम मान लीजिए 3-4 लाख से ऊपर की है, वो अपने बच्चों को आज के दिन एक प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं. बट जब यूनिवर्सिटी की बात आती है तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को IITs, IIMs, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भेजना चाहते हैं. ऐसा क्यों? द पॉइंट इज कि इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स आ गए थे 1960s में, और प्राइवेट स्कूल्स के पास टाइम था अपने आपको प्रूव करने का कि आज के दिन हम इस सिचुएशन में बैठे हैं कि पेरेंट अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही भेजना चाहता है. पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इंडिया में अभी सिर्फ 10-15 साल पहले आई हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये यूनिवर्सिटीज़ में भी होगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स जो अच्छा काम कर रहे हैं, सब नहीं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे जो ये गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं शायद उनको ओवरटेक कर पाएगी. हो सकता है कि मे बी नॉट IITs एंड IIMs, बट जो बाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, रीजनल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनको तो डेफिनेटली पास कर पाएंगे. किसी भी एंटरप्रेन्योर का सक्सेस जज होता है उनके प्रोडक्ट या सर्विस के परफॉर्मेंस की वजह से. इनका प्रोडक्ट है मास्टर्स यूनियन, एक मॉडर्न डे एडुकेशन सिस्टम. उनका एवरेज प्लेसमेंट पैकेज है 33 लाख, उनका हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज है 64 लाख जितना, और 97% प्लेसमेंट रेट. ऐसे नंबर्स काफ़ी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स मैच नहीं कर सकते. ऐसे हाई क्वालिटी प्रोफेशनल्स को ब्रीड करने के लिए बेसिकली तीन रिक्वायरमेंट होती है. पहली रिक्वायरमेंट, हर स्टूडेंट को एक स्टार्टअप की एनवायरनमेंट में घुसाया जाता है. उन्हें कहा जाता है कि एक सर्विस बनाओ, एक प्रोडक्ट बनाओ जो रियल वर्ल्ड बिजनेस बन जाए. उस प्रोसेस से, एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट करने से स्टूडेंट्स बहुत झट से बहुत कुछ सीख लेते हैं. दूसरा की पॉइंट, इनकी कैंपस एक कॉर्पोरेट सेक्टर के बीचों बीच है. गुरुग्राम आज एक कॉर्पोरेट और स्टार्टअप हब बन चुका है, और उसी हब के बीचों बीच स्टूडेंट्स की लर्निंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो जाती है. और तीसरा की पॉइंट, इनको करियर कोचिंग खुद इंडस्ट्री लीडर्स से मिलती है. इनके मेंटर्स हैं टॉप क्वालिटी MDs, टॉप क्वालिटी CXO, CEO, CMOs. तो जो लर्निंग इनको मिल रही है, आपको एक आम कॉलेज में ऐसी लर्निंग शायद ही कभी मिले. कैसा लगता है आपको? Are you proud of yourself after all this? बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ काम करके अच्छा ही लगता है, बिकॉज यू सी देम ग्रो. यार यहाँ पे हम लोग लेक्चर्स नहीं करते, एग्जाम्स नहीं करते, ट्रेडिशनली क्विजेज जैसे होते हैं वो नहीं करते. हम बच्चे को ये नहीं बोलते तुम मेमोराइज कर आओ कुछ भी, हम बोलते हैं तुम आओ और बिजनेस बनाना शुरू कर दो. और जैसे जैसे तुम बिजनेस बनाओगे वैसे वैसे तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम को तुम सॉल्व करोगे और ऐसे तुम सीखोगे. हम तुम्हें क्या देंगे, हम तुम्हें कम्युनिटी देंगे, हम तुम्हें को फाउंडर्स देंगे, हम तुम्हें जब कोई प्रॉब्लम हो रही होगी टेक्निकल उसमें हेल्प करेंगे. और जितने भी ये मास्टर्स जिनसे भी आप मिल रहे हो आज और आज शाम को भी मिलोगे, वो सब लोग आपको मेंटोरशिप देंगे. आई एम हैप्पी टू हैव नोन यू ब्रो, नॉट दैट आई एम नेवर गोइंग टू मीट यू अगेन, बट इट्स क्रेजी वर्क. यहाँ आकर मुझे यहाँ के इम्पैक्ट के बारे में पता चल रहा है, सो जस्ट टेकिंग इट. तो दोस्तों ये था आज का एडुकेशनल वीडियो हमारे एडुकेशन सिस्टम के बारे में. मैं ये चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मेरे से हुई मेरे खुद के करियर में, मेरे पीयर से हुई, मेरे एज के लोगों से हुई हमारे करियर में, वो गलतियाँ
जेन जी और जेन अल्फा ना करे, क्योंकि मेरे करियर की खुद की सबसे बड़ी रिग्रेट ये है कि मैंने कॉलेज में लोगों से इनपुट्स नहीं लिए, मैंने सिर्फ रिलेटिव से इनपुट लिए थे, रिश्तेदारों से इनपुट्स लिए थे, और उसकी वजह से मैंने करियर में काफ़ी सारी गलतियाँ कर दी। YouTube का फ़ायदा उठाइए, प्रैक्टिकल करियर नॉलेज प्राप्त कीजिए और अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को, अपने ग्रोथ जर्नी को आगे लेके जाइए। जय हिंद, लेट्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन।